नमस्कार, हेलो, मैं डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर यूनिट हेड कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सवाल ये है, माय इको एंड टीएमटी वाज नॉर्मल वन मंथ एगो, येट आई हैड अ हार्ट अटैक। मेरा इको और टीएमटी सब नॉर्मल था एक मंथ पहले, लेकिन मेरे को फिर भी हार्ट अटैक हो गया, ये क्यों हुआ? इको और टीएमटी बताते हैं कि आपकी ब्लॉकेजेस 70% से ज़्यादा हैं कि नहीं है। अगर टीएमटी नॉर्मल आता है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लॉकेज हो सकती है पर वो 70% से कम है। टीएमटी एबनॉर्मल आता है तो इसका मतलब एक्यूरेसी है 70%, कि 70% चांसेस हैं कि आपकी रुकावट हार्ट की नसों में 70% से ज़्यादा हो सकती है। पर फिर सवाल ये उठता है, जिनका टीएमटी नॉर्मल आया उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि हार्ट अटैक अगर 30% भी ब्लॉकेज हो तो एकदम कोई इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस होता है और बम फट जाता है और 30% से सीधा 100% चला जाता है। ये चीज़ पाई जाती है यंगस्टर्स में, जिसमें रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में ब्लॉकेज जो है ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है, 60%, फिर 70%, फिर 80%, फिर 90%, फिर 100%। जबकि यंग एज में सीधा 30% ब्लॉकेज कैन कॉज अ हार्ट अटैक, एकदम बम फटा, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, एक्स्ट्रा वर्कआउट इन द जिम, बिंज ड्रिंकिंग, बिंज स्मोकिंग, ये सब करने की वजह से, ड्रग्स, ये सब की वजह से एकदम बम फटा और हार्ट अटैक हुआ। तो ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी है कि अगर आपका टीएमटी को नॉर्मल भी था फिर भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं थिन कैप ब्लॉकेजेस। थिन कैप का मतलब है कि छोटा ब्लॉकेज हो, 30% हो, 20% हो और एकदम कोई स्ट्रेस की वजह से वो फटता है और सीधा 20% से या 100% पे छलांग लगा देता है और रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू।